नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का बायो का थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। वैसे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम उसको रिप्रोडक्शन चैप्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर थ्री ये बायो का थर्ड लेसन है, तो आप चैप्टर टू डालेंगे, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म से उनके जैसे और ऑर्गेनिज्म का, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब आप सेम स्पीसी से मतलब है कि एक ही तरीके के लोग जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, जो मॉर्फोलॉजिकली लगभग सेम होते हैं और जो इंटरब्रीड करके एक नई ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके, वो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल माने जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, ठीक है, क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या फायदा है रिप्रोडक्शन, क्यों नेचर ने बनाया है। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि बाय चांस कोई नेचुरल कैलमिटी होती है तो क्या होगा कि यदि जितने ज्यादा नंबर में जो है एक स्पीसीज के जो मेंबर होंगे, उतनी ही ज्यादा उस स्पीसीज के धरती पर बचने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इसीलिए जो है नेचर ने ये जो प्रोसेस है वो बनाई है, जिससे कि एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो धरती पर सर्वाइव कर सके और अपनी स्पीसीज को बनाए रखें। और एक टाइम बाद क्या होता है कि हम सबको मरना है, ये भी सच्ची बात है कि हमें अपनी जो लाइफ है उसको कंप्लीट करके हम लोगों की डेथ जो है वो एक बार जो है वो निश्चित है। तो क्या होगा कि इस प्रोसेस से जो है हम नए इंडिविजुअल तैयार करके जाएंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि धरती पर जो लाइफ है वो, जो स्पीसीज है हमारे जैसी जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आपकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज मेनली कैटेगराइज इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुका है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें केवल एक ही पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का जो है वो जन्म हो जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, फादर एंड मदर। यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मेल पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, और फीमेल पार्टनर को मदर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फीजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटली हम बात करें तो छह टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका और एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या है, उनकी एडवांटेजेस क्या है। तो वो ये सब हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से जो है वो ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है, संतान का जन्म होता है। ऑफ स्प्रिंग माने संतान होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल और गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी दे सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होती है, गैमेट नहीं इन्वॉल्व होते हैं,
वो जो रिप्रोडक्शन है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। गैमेट से मतलब है जैसे एग और स्पर्म जो है क्या है आपके सेक्स सेल कहलाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट ऑफ और ग्रोथ इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसका कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाता है और उसी से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअली। एक्चुअली ये सम एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए था टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप यही डालेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, अच्छा ये एग्जाम्पल ही आपके दे रखे, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगाइरिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल आपको बता रखे। बाकी ये जो मेथड है हम इसमें डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, इट टेक्स मेनली इन दोज ऑर्गेनिज्म हूज बॉडी हैव सिंपल स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होता है, या अधिकतर वो यूनिसेलुलर होते हैं। अधिकतर मैंने बोला है, यहाँ पर मैंने मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि सभी यूनिसेलुलर या किसी भी मल्टीसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मैंने कहा अधिकतर जो है जिनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है फ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं हम जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें सबसे पहले टाइप की बात करते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामिशियम, लिस्मानिया। ये एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का और अधिकतर ये किसमें होता है, अमीबा, पैरामिशियम, लिस्मानिया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें पाया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म फ्यूजन, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म और वी कैन से दैट डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी, बाई वर्ड जहां पर आता है अधिकतर वहां पर टू की बात करते हैं हम, बी आई बाई माने टू, यानी इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। वो मेथड फ्यूजन का जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, यानी एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल नए जो हैं वो तैयार होते हैं, इसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में अमीबा, लिस्मानिया, बैक्टीरिया, पैरामिशियम, ये सारे के सारे बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें अमीबा का आपको बता रखा है डिटेल में। अमीबा जब अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है, मैच्योर हो जाती है, उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होने लगता है दो पार्ट में, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है और फिर उसका न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस के आसपास जो है साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे जो है वो डिवाइड हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो अटैचमेंट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे कि आपका जो है अमीबा दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक ए पार्ट में दिखा रखा है कोई अमीबा एक सेल थी, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होने लगा, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियस धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म जो है वो कलेक्ट होने लगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने लगा, फाइनली क्या हुआ आपकी सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गई और दो स्मॉल अमीबे जो है वो सिंगल अमीबा से प्रोड्यूस हो गए। तो ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है पैरामिशियम में भी सेम जो है यही प्रोसेस होती है कि जब पैरामिशियम मैच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी भी जो है वो साइज में बड़ी होती है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस के आसपास और फिर वो फाइनली जो है एक पैरामिशियम से दो पैरामिशियम तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से लिस्मानिया और कुछ पैरासाइट जो जैसे कि लिस्मानिया नाम का पैरासाइट है जो कालाजार नाम की बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसी मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो फाइनली हमने ये समझा, बाइनरी फ्यूजन इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इन टू टू
ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल सीजन। सेकंड टाइप ऑफ सीजन इज मल्टीपल सीजन। मल्टीपल सीजन जैसे कि नाम से क्लियर है, मल्टीपल्स मीन्स मैनी। इन मल्टीपल सीजन द पेरेंट सेल स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। यानी वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट सेल एक ही समय में दो से ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है, दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, और अधिकतर ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जब कंडीशंस अपोजिट होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं होती है, तब ऐसा होता है। जैसे कि आप देखेंगे अमीबा जनरली जो है आपका बाइनरी सीजन से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन यदि ड्रॉट वाली कंडीशन होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है इसका न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं होता, दो से कहीं ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म भी हर न्यूक्लियस के पास जो है वो जाके डिपोजिट हो जाता है, और फिर फाइनली जो जितने ज्यादा जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस तैयार होते हैं उतनी ही ज्यादा जो है सेल मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर बनने लगते हैं, और फाइनली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बस्ट हो जाती है, अंदर की जो सेल्स तैयार हुई है वो बाहर आ जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया का कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, वो इसी मेथड से जो है वो रिप्रोडक्शन करता है कि एक सेल है सपोज उसका न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर डिवाइड होता है रिपीटेडली और बहुत सारे न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के पास जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उनकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो भी सिंथेसाइज हो जाती है, और फाइनली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बस्ट हो जाती है, और जो सेल अंदर तैयार हुई है वो सारी की सारी बाहर रिलीज हो जाती है। तो प्लाज्मोडियम जो है किसका एग्जांपल है, मल्टीपल सीजन का। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम सिक्स टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है सीजन की। सीजन जो है दो टाइप का होता है, बाइनरी सीजन मल्टीपल सीजन। बाइनरी सीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से दो नई ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मल्टीपल सीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बडिंग। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बर्ड विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बडिंग की प्रोसेस में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक स्मॉल पार्ट वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है बर्ड के रूप में, और बर्ड फाइनली सेपरेट हो जाती है जो पेरेंट बॉडी होती है उससे अलग हो जाती है, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करने लगती है, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, बडिंग, जिसका एग्जांपल है जनरली हाइड्रा और यीस्ट का एग्जांपल है। और बडिंग भी दो तरीके से होती है, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हुई, जैसे कि बड डेवलप होती है पौधे में, प्लांट में आपने देखा होगा ना बड डेवलप होती है, इसी तरीके से हाइड्रा की बॉडी में एक बड डेवलप होती है और धीरे धीरे वो जो है ग्रो करने लगती है साइज में, और उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे बनने लगती है, टेंटाकल्स डेवलप होने लगे, फिर फाइनली वो जो पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच हो जाती है और एक सेपरेट लाइफ जो है उसको जीने लगती है। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था उससे जो है बडिंग की प्रोसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट इसमें बताता है स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ इटसेल्फ। दिस बर्ड देन ग्रोज एंड स्मॉल हाइड्रा इज फॉर्म्ड। फाइनली द हाइड्रा टिनी हाइड्रा डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ऑफ द हाइड्रा। नेक्स्ट यहाँ पर यीस्ट में किस तरीके से बडिंग होती है, तो यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होती है, जैसे कि आपको पता होगा फर्मेंटेशन में यूज होती है, और इसमें धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा दो में, और बड जो डेवलप हुई है बड डिटैच नहीं होगी शुरुआत में, बड में से बहुत सारी जो बड है वो डेवलप होने लगती है, और जब बहुत सारी बड जब चेन की तरह चेन फॉर्म हो जाती है तो फाइनली वो चेन की जो आप देख रहे हैं यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती है डिवाइड हो जाती है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, और एक ही यीस्ट सेल से आप देख रहे हैं कितने सारे बड जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। तो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है आपका, बडिंग। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट यीस्ट सेल डिवाइड इंटू टू पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव इंटू द बड। द बड सेपरेट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट सेल। द बडिंग इन द यीस्ट हाउएवर
often takes place so far that the first bud start forming there onward, and all of them remain attached to the parent leaf. After some time, they all get detached. In some organism like sponge and coral, the bud remain attached permanent to the parent cell. These buds then grow and produce bud of their own. In this way, a colony of the sponge or coral are formed. तो जो स्पंज होते हैं उनमें भी ये मेथड जो है वो देखने को मिलता है. उनमें क्या होता है, जो बड प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट सेल से ही जो है वो अटैच रहती है. फाइनली वो डिटैच नहीं होती और एक कॉलोनी के फॉर्म में जो है वो एक ग्रुप में तैयार होते हैं. ऐसा लगता है ग्रुप ऑफ स्पॉन्ज जो है वो हमारे सामने है. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन जनरली जो है आपका कुछ प्लांट में और जनरली फंगस में देखने के लिए मिलता है. स्पोर क्या होता है, स्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. यानी माइक्रोस्कोप में स्पोर जो है वो विजिबल होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं. विच आर कवर्ड बाई अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, और उनकी जो आउटर कोट होता है वो ज्यादा हार्ड होता है और काफी स्ट्रांग होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको बचाता है. अनफेवरेबल कंडीशन से मतलब है लैक ऑफ फूड, वाटर और एक्सट्रीम टेम्परेचर. इनमें जो स्पोर है उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है इनका जो आउटर कोट होता है, जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं. स्पोर आर काइंड ऑफ सीड ऑफ प्लांट, कहने के मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कि प्लांट के सीड की तरह होते हैं स्पोर. दीज स्पोर आर वेरी लाइट एंड कीप फ्लोटिंग इन ऑल अराउंड अस, कहने के मतलब ये स्पोर इतने ज्यादा लाइट होते हैं कि आसानी से हमारे आसपास के वातावरण में मूव करते रहते हैं. हमारे आसपास कितने स्पोर हैं हम देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. कितनों को स्पोर्स को तो हम इनहेल कर लेते होंगे. कुछ लोगों को तो एलर्जी होती है इस चीज स्पोर से. आपने देखा होगा जो जब इसको कई लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इनहेल करते हैं तो उनको से एलर्जी होती है. तो कहने का मतलब स्पोर हमारे आसपास हर टाइम प्रेजेंट होते हैं और जहां भी उनको अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं वहां पर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं और जो फंगस है वो डेवलप होने लगती है. आपने देखा होगा जो ब्रेड है आप उसको फ्रिज में रख के थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देंगे तो उस पर अपने आप ही फंगस आ जाती है. तो वो फंगस हमने थोड़ी ना ला के डाली, वो जो स्पोर थे एयर में प्रेजेंट थे वो लैंड किए उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, और धीरे धीरे जो है स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो गए क्योंकि उनको फूड अवेलेबल था, ह्यूमिडिटी जो है वो अवेलेबल थी, मॉइस्चर चाहिए थी वो अवेलेबल थी, जिससे कि जो फंगस है वो ग्रो करने लगी. इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर. कहने का मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन मेथड होता है उसमें जो पेरेंट प्लांट बॉडी है वो लगभग हजारों माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम स्पोर बोलते हैं. अब हजारों इसलिए करती है क्योंकि इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफी कम हो जाते हैं बेटा. हर टाइम उन्हें अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, इसलिए जो है संख्या है स्पोर प्रोडक्शन की वो हजारों में होती है. स्पोर केस ऑफ द प्लांट बस्ट देन स्पोर स्प्रेड इन टू द एयर. तो कहने का मतलब जो आपके प्लांट या फंगस जिनमें आपका स्पोर प्रोड्यूस होता है उनका जो आउटर कवर होता है उसे स्पोर केस या स्पोरेंजियम बोलते हैं. उसके अंदर हजारों की संख्या में स्पोर बनते हैं और जब वो स्पोरेंजियम जो है मैच्योर हो जाता है तो वो जो आउटर कवर है स्पोर केस जो है वो बस्ट हो जाता है और बस होने के बाद जो आपका स्पोर्स है वो एयर में जो है वो फैल जाते हैं और एयर इधर से उधर उन स्पोर्स को लेके जाती है. कुछ सॉइल पे लैंड कर जाते हैं, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कुछ जो है फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं और वो जर्मिनेट होते हैं और जिससे नया पौधा या नई फंगस तैयार हो जाती है. मोस्ट ऑफ द फंगी राइजोपस म्यूकर बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फन एंड द मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. तो ये जो आपको बताया राइजोपस बैक्टीरिया म्यूकर और आपके फन मॉसेस जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वो स्पोर फॉर्मेशन मेथड का यूज करते हैं अपने चीज को कंटिन्यू करने के लिए. कॉमन ब्रेड मूड जिसे राइजोपस बोलते हैं जो ब्रेड पे उगने वाली जो फंगस है, ठीक है, वो भी इसी मेथड से डेवलप होती है. उसमें आप उसकी स्ट्रक्चर को यदि माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको वो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें जो दिखाई देगी वो क्या कहलाती है, हाइफे, और उसका जो स्टेम है वो काफी थिन होते हैं और उनमें से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ये ब्रेड मूड का डायग्राम आपको दिखा रखा है, तो इसमें दिख रहे हैं आप एक स्टेम जैसा आपको दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं हाइफे.
और ऊपर जो है आपको फ्रूट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जैसे लेमन हो, तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसी के अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं हजारों की संख्या में, और फाइनली ये जो स्पोरेंजियम है या स्पोर के जिसे हम बोल रहे हैं वो बस्ट होता है और ये स्पोर जो है वो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर के थ्रू फैल जाते हैं, और जहां भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर वो ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से स्पोर के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन को कैसे हम कर सकते हैं, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्पोर आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट और द फंगस एंड दे गेट डिस्पर्स इनटू द एयर एंड आफ्टर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो सच मैटर टेक्स प्लेस इन फंगस एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कहने का मतलब यह है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाना रीजनरेशन कहलाता है। द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेन एरिया शो रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा और प्लेन एरिया, उनमें ये रीजनरेशन देखने को मिलता है। होता क्या है इस मेथड में, सपोज कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया की बॉडी को हमने तीन पार्ट में कट कर दिया, तो हम देखेंगे कि जिस भी बॉडी पार्ट में जो पार्ट नहीं है वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। यदि आपने प्लेन एरिया को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है तो उससे तीन प्लेन एरिया तैयार हो जाएंगे, चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो चार प्लेन एरिया तैयार हो जाएंगे। तो यानी हर एक बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो रीजनरेशन कहलाता है। एक्चुअली ये जो है नेचुरल मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, एक्सीडेंटल मेथड है और ऐसा एक्सीडेंटली होने पर ही होता है। प्लेनेरिया इज ए प्लेटफॉर्म विच इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम, इट इज कॉज ऑफ लीवर फ्लो। कहना प्लेनेरिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और ये स्ट्रीम नदियों में पाया जाता है, लीवर जो कहने का मतलब लीवर फ्लूक कहलाता है क्योंकि अधिकतर ये हमारे जो इंटरनल पार्ट है उनको भी इन्फेक्ट करता है। ए बॉडी ऑफ द हाइड्रा प्लेन एरिया सम हाउ डिवाइड इनटू नंबर ऑफ पीसेज, देन ईच पीस ऑफ द हाइड्रा प्लेन एरिया ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रीजनरेशन कैन बी यूज रिप्रोड्यूस ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन उन्हीं में होता है जिनकी बॉडी डिजाइन काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। अब उसमें क्या हो रहा है बेटा, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें जो रीजनरेशन मेथड था उसमें एक्सीडेंटली जो है जो पेरेंट बॉडी थी वो एक्सीडेंटली जो है दो या तो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गई, तब वो जो है उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पायरोगायरा क्या है, वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और फिर जब मैच्योर होने के बाद अपने आप ही नेचुरली उसकी जो बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट एक इंडिविजुअल लाइफ के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये जो मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इंटू टू और मोर पीसेज ऑन मैच्योरिंग ऑन ईच ऑफ विच कंसिक्वेंटली ग्रोस टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन में एक मैच्योर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद खुद ही दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट जो है एक नई लाइफ के रूप में डेवलप हो जाता है। इस मेथड को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं और इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा और सी एनीमोन। ये दोनों जो है फ्रेगमेंटेशन मेथड से जो है डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फ्यूजन में भी लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में केवल दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं और फ्रेगमेंटेशन में दो से ज्यादा भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो एसेक्सुअल मेथड का एक टाइप है। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। कहने का मतलब वो मेथड जिसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे सीड को छोड़कर किसी और पार्ट से यदि प्लांट ग्रो करता है तो ये जो मेथड है क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है।
जैसे कि बर्ड प्रेजेंट होती है स्टेम पर, यदि हम उसे स्टेम, जिस स्टेम पर बर्ड प्रेजेंट हो उसको हम जो ब्रांच लेकर उसको बोएं तो धीरे धीरे उसमें रूट डेवलप हो जाएंगी और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। कुछ जैसे कि ब्रायोफाइलम की बात करें, ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है जिसकी लीफ पर अपने आप ही धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, और वो जैसे ही लीफ झड़ती है तो वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो छोटे छोटे पौधे नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ प्लांट जैसे मनी प्लांट की बात करी गई है, मनी प्लांट या पोटैटो, इनमें स्टेम की मदद से हम जो है नया प्लांट जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्यूबर जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि आपका जो पोटैटो है वो भी एक तरीके का ट्यूबर है, तो हम पोटैटो के जो आई वाला पार्ट है उसको बोते हैं जमीन के अंदर, तो उस आई वाले पार्ट से एक नया स्टेम या पौधा डेवलप हो जाता है, जिससे कि हम जो संख्या है फाइनली उसमें से जितने भी आपके मतलब एक पोटैटो में से चार पांच जो प्लांट है वो डेवलप हुए उनको हम दूर दूर एक दूसरे से बो देते हैं और उससे एक ही पोटैटो से आप देखते हैं बहुत सारे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट यानी ऐसे कौन से मेथड हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो नेचुरली जो है वो पौधा डेवलप हो जाता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्लांट में किया जाता है जिसमें आर्टिफिशियली हम दो या दो से ज्यादा पौधों को कंबाइन कर देते हैं कई बार, या उनके लिए जो मेथड बेस्ट है हम उससे प्लांट को ग्रो करते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में कौन कौन से मेथड आते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग हम सबको पता है कि कोई प्लांट का स्मॉल पार्ट हम उससे रिमूव कर लेते हैं, कोई मतलब हमने उसकी ब्रांच काट ली, ऐसी ब्रांच ली जिस पर बड डेवलप हो रही हो, फिर हम उसको क्या करेंगे कि सॉइल में जो है उसका कुछ हिस्सा जो है दबा देंगे, कुछ टाइम बाद उसमें रूट डेवलप हो जाएगी और जो रूट डेवलप होने के बाद धीरे धीरे जो एक ब्रांच थी वो पूरे पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कई बार आप रोज के जो कटिंग है वो लेकर आते हैं और उसे बोते हैं जिससे कि नया रोज प्लांट वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि बुगेनविला, क्राइसेंथिमम, सुगर केन, बनाना, कैक्टस, तो ये सारे के सारे कटिंग मेथड से ग्रो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो प्लांट जैसे कि आपने देखा होगा चाइना रोज प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो प्लांट की जो ब्रांच है उसको हम सॉइल के कांटेक्ट में लाते हैं बिना काटे हुए इस ब्रांच को सॉइल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं और कुछ सॉइल ब्रांच के बीच के वाले पार्ट पर जो है वो सॉइल से कवर कर देते हैं और टिप वाला जो पोर्शन है उसको एयर में छोड़ देते हैं। तो हमने जो पार्ट प्लांट का जो है सॉइल में दबा दिया था उस पार्ट पर जो है वो रूट डेवलप हो जाती है। फिर फाइनली हम क्या करते हैं कि उसको काट लेते हैं, जहाँ जिस पार्ट में रूट डेवलप हो गई है उसको हम मेन प्लांट से काट लेते हैं और उसको दूसरी जगह जाकर बो देते हैं तो नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो ये मेथड भी लेयरिंग कहलाता है। A small part of the plant is pulled toward the ground and a part of it is covered with the moist soil. यानी ब्रांच को जमीन की तरफ लाया जाता है और उसका कुछ हिस्सा सॉइल से दबा दिया जाता है और जो ब्रांच का टिप वाला पोर्शन है उसको एयर के कॉन्टेक्ट में ही रहने दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको हमने सॉइल से दबाया उसमें रूट डेवलप हो जाती है और फिर हम उसको एक नए पौधे के रूप में अलग बो देते हैं जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि जैस्मिन प्लांट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, लेमन, हिबिस्कस, तो इन सब में हम जो है लेयरिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, हम एक का हम टॉप मोस्ट पार्ट लेते हैं, दूसरे का हम जो रूट वाला पोर्शन है वो लेते हैं और दोनों को क्या है कॉन्टेक्ट में लाके हम अच्छे से बांध देते हैं। फाइनली क्या होता है उनका जो वैस्कुलर सिस्टम है वो आपस में ज्वाइन हो जाता है और एक नए पौधे के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। तो ग्राफ्टिंग इज द मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, वन विद द रूट एंड अदर विदाउट रूट, आर ज्वाइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट द टू स्टेम ज्वाइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। तो जिस प्लांट का हम रूट वाला पार्ट लेते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं और जिसका ऊपर वाला पार्ट लेते हैं जिसमें रूट नहीं है उसको हम सियोन बोलते हैं। द सियोन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक। सियोन को स्टॉक के ऊपर रखा जाता है। द कट सरफेस ऑफ द सियोन स्टॉक आर फिटेड टुगेदर। अच्छे से फिट किए जाते हैं स्टॉक और सियोन को और
टाइटली बांध दिया जाता है पॉलिथीन से या कपड़े से, और उसका अच्छे से देखभाल की जाती है। फाइनली क्या होता है, कट और फ्यून कॉन्टेक्ट में आने की वजह से उनकी जो कैम्बियम लेयर है वो ज्वाइन हो जाती है और वो एक पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है वो किस में यूज किया जाता है, एप्पल, पीच, एप्रिकोट और पियर ट्रीज। अब ग्राफ्टिंग की क्या एडवांटेज है, ग्राफ्टिंग इज यूज टू कम्बाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट। कहने का मतलब ऐसा करने से जो दो प्लांट हमने जिनको कम्बाइन किया है उन दोनों की प्रॉपर्टी जो है नए वाले पौधे में देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक पौधा है जिस पर जो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मान लो रूट वाला जो था उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था लेकिन उसमें जो फ्रूट आते थे वो ज्यादा स्वीट नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके फ्रूट तो स्वीट थे लेकिन उसका जो इम्यून सिस्टम था वो कमजोर था, उसमें कीड़ा लग जाता था। अब हमने ग्राफ्टिंग से दोनों को ज्वाइन कर दिया तो जो नया प्लांट तैयार हुआ उसमें क्या प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था और उसके जो फ्रूट्स आ रहे थे वो स्वीट थे, यानी दोनों की जो प्रॉपर्टी थी अच्छी वाली वो कंबाइन हो गई जो नए पौधे में पहुंच गई। बाय दिस मेथड अ वेरी यंग सियोन कैन बी मेड टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट क्विक फास्ट। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि नए पौधे पर जल्दी से फ्रूट नहीं आते हैं और पुराना वाला जो है वो कमजोर हो चुका होता है, तब हम क्या करते हैं यंग वाले प्लांट का सियोन लेकर जो पुराना वाला प्लांट है उसके ऊपर स्टॉक पर उसके रख देते हैं जिससे कि यंग जो प्लांट है उसमें जल्दी से फ्रूट आने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं उनमें भी हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। कई बार फ्लावर और फ्रूट हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, उनका कलर, उनका जो टेस्ट, उनका साइज हमें अपने डिजायरेबल अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, तब हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की एडवांटेजेस क्या है। न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है, उसमें डिजायरेबल फीचर्स आते हैं पेरेंट प्लांट के। नेक्स्ट है फ्रूट ट्रीज ग्रो फ्रॉम द कटिंग और बाय द ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट मच अर्लियर। कहने का मतलब कि कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड से जो प्लांट हम बोते हैं उन पर फ्रूट जो है वो जल्दी आने लगते हैं। प्लांट यूजली नीड लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर्स। कहने का मतलब जब हम सीड से प्लांट को बोते हैं तो हमें उसकी काफी देखभाल करनी पड़ती है, छोटे होते हैं साइज में तो उनके किसी के पांव से दबने से या किसी और चीज का जो है खतरा होता है, लेकिन जब हम प्लांट आर्टिफिशियल मेथड से बोते हैं तो प्लांट का साइज पहले से ही काफी बड़ा होता है जिससे कि हमें उनका कम ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से ऐसे प्लांट भी उगाए जा सकते हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। एक ही टाइम में एक से ज्यादा प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही पेरेंट प्लांट से आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के द्वारा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें से हम कुछ टिश्यू जो है सेपरेट करते हैं और उसको हम एक कल्चर मीडियम में रखते हैं, कुछ केमिकल्स में रखते हैं, ठीक है, और उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो टिश्यू की हर सेल है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है और उन प्लांट को फाइनली हम सेपरेट कर देते हैं पॉट में, अलग अलग पॉट में उनको रख देते हैं और नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं केवल एक स्मॉल पार्ट से जो कि अधिकतर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पोर्शन लेते हैं, टिप वाला रीजन। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर विच इज रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन द सुटेबल ग्रोथ मीडियम कल्चर सोल्यूशन कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ग्रोथ मीडियम कंटेन वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट इन फॉर्म ऑफ जेली जो कि अगार नाम की होती है एंड प्लांट हार्मोन विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। कहने के मतलब जब हम आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चर से प्लांट उगा रहे हैं तब हम जिस जेली का यूज करते हैं प्लांट उगाने के लिए उसका नाम है अगार और उसमें हम कुछ प्लांट हार्मोन ऐड कर देते हैं जो कि प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हम न्यूट्रिएंट जो पौधे को डेवलप होने के लिए जरूरी होते हैं वो भी ऐड कर देते हैं इस जेली के अंदर। फिर प्रोसेस कैसे होती है टिश्यू कल्चर की, तो इसके लिए एक स्मॉल पीस हम टिश्यू का ले लेते हैं, स्टेराइल जाली में रखते हैं
और जो हार्मोन है जो प्लांट की टिश्यू को और ज्यादा डिवाइड करवाते हैं वो हम ऐड कर देते हैं। फाइनली जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करती हैं और जिससे कि एक शेपलेस लंप ऑफ मास तैयार हो जाता है सेल्स का, जिसे हम कैलस बोलते हैं। जो टिश्यू की सेल्स है वो लगातार डिवाइड करती हैं और जो है एक काफी बड़ा मास तैयार हो जाता है सेल्स का, जिसे हम कैलस बोलते हैं। कई बार ये पूछा जाता है व्हाट इज कैलस, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कैलस क्या होता है। तो फिर क्या किया जाता है, इस कैलस को दूसरी जाली में हम चेंज कर देते हैं, एक जाली से दूसरी जाली में चेंज कर देते हैं, जिसके अंदर सूटेबल प्लांट हार्मोन रखे रहते हैं जो कि रूट डेवलप करवा देते हैं। वो वाले हार्मोन हम ऐड करते हैं सेकंड जाली में जो रूट डेवलप करने में हेल्पफुल है। फिर हम इसको चेंज करके तीसरी जाली में रखते हैं, उसमें वो हार्मोन डले हुए हैं जो कि उसका शूट डेवलप करवाते हैं, शूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो अब रूट डेवलप हो गई इसके अंदर, सेल के अंदर शूट डेवलप हो गया, तो एक जो मिनिएचर है प्लांट का वो डेवलप हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फाइनली जो आपका जो प्लांट है उनको हम अलग अलग पॉट्स में सेपरेट आउट कर देते हैं और उनको हम जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो पौधा है वो आपका अच्छे से डेवलप हो जाए। इसी के साथ जो आपका ये जो चैप्टर है इसमें जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहीं तक खत्म हो जाता है। एक इसको टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में माइक्रो प्रोपेगेशन से आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, टिश्यू कल्चर ही माइक्रो प्रोपेगेशन है। अब एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर के फायदे क्या है, इट इज वेरी फास्ट टेक्निक, बहुत ज्यादा फास्ट टेक्निक है, बहुत कम टाइम में हम कम जो है बहुत सारे पौधे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो टिश्यू कल्चर से पौधे डेवलप होते हैं क्योंकि वो स्टेराइल मीडियम में रखे जाते हैं, जम फ्री वातावरण में उनको ग्रो किया जाता है, इसलिए वो डिसीज फ्री होते हैं ऐसे प्लांट। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट राउंड द ईयर, टिश्यू कल्चर से हम पूरे साल जो पौधा जो हम एक ही सीजन में मिलता था अब हमें वो दूसरे सीजन में भी मिल जाता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर से हम पूरे साल जो पौधा है वो ग्रो कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा वेदर कौन सा सीजन है उस पर। नेक्स्ट है वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट, और नए पौधे को उगाने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ जो है वो काफी छोटी छोटी चीजों में हो रहा होता है ये सब, क्योंकि जो टिश्यू होता है वो अपने में काफी छोटा साइज होता है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल तो वो उससे भी छोटी होती है, तो ज्यादा स्पेस की हमें जो है शुरुआत में जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद जब हम पॉट में उसको सेपरेट करते हैं तब थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है। तो यहाँ तक हमने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कम्प्लीट कर लिया है। इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, वैसे लास्ट क्लासेस में सेवन्थ क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें भी स्पेशली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे।